देश के धार्मिक स्थलों में से एक पावन तीर्थ चित्रकूट की सुरम्य वादियों में कल कल स्वर निनाद के साथ बहती स्वच्छ शांत सलिल मंदाकिनी तट का अपना एक अलग महत्व है। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट ने हमेशा लोगों को ऊर्जा दी है। दिन दूनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ रही इस दुनिया में 40 करोड़ विकलांगों की ओर किसी का ध्यान नहीं था। चित्रकूट में शारीरिक अपंगता के कारण जीवन को बोझ मानकर जी रहे इन लोगों के लिए उम्मीद की किरण जागी है। विकलांगता के बाद भी आत्मनिर्भर बनाने की जो सीख चित्रकूट में स्थापित जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय में दी जा रही है, वह न सिर्फ देश बल्कि पूरी मानवता के लिए अद्वितीय उदाहरण है। बहुसंख्यक समाज से उपेक्षित विकलांगों के लिए कुछ करने का नेक इरादा पूज्यपाद धर्म चक्रवर्ती महामहोपाध्याय कवि कुल रत्नम विद्यावाचस्पति श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के मन में आया। प्रारंभ में तुलसी पीठ की स्थापना एवं वहीं प्रज्ञा चक्षु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का प्रारंभ करके विकलांगों के कल्याण हेतु कार्य करने का स्पष्ट संकल्प समाज के सामने रखा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में मंदाकिनी तट के किनारे स्थापित तुलसी पीठ में नेत्रहीन बालक बालिकाओं के अध्ययन की सुविधा आचार्य जगद्गुरु स्वामी रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुई। इस कड़ी में विकलांग विश्वविद्यालय का निर्माण कर पूज्यपाद जगद्गुरु जी ने समाज को अपने विचारों से अवगत कराया। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं। जय विकलांग। भारत में विकलांगों की संख्या लगभग 10 करोड़ की हो चुकी है और ये नाना प्रकार की सामाजिक यातनाओं से जूझ रहे हैं। इन्हें अब तक अधिकार नहीं मिल पाया। स्वतंत्रता के 56 वर्ष होने के पश्चात बीतने के पश्चात भी विकलांग इसी प्रकार निरीह मारा मारा घूमता रहा, जबकि यह भारत की कम से कम 10% संख्या है, अर्थात 100 में 10 विकलांग हैं। इसी दृष्टि से इनकी सर्वांगीण समस्याओं के समाधान के लिए मेरे मन में एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना हुई, क्योंकि विश्वविद्यालय ही इनका सर्वांगीण विकास कर सकता है। विश्वविद्यालय ही इनकी समस्या का एक रंगमंच हो सकता है और शिक्षा से ही विकलांग भी शकलांग की भांति उनके कंधे कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र की धारा में जुड़ सकते हैं। इसी दृष्टि से हमने चित्रकूट में जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश की स्थापना की। भगवान की कृपा से इस विश्वविद्यालय को 2F और 12B की UGC द्वारा मान्यता भी दे दी गई, अर्थात अब विकलांग विश्वविद्यालय की डिग्रियां सारे संसार को मान्य होंगी और विकलांग विश्वविद्यालय को सारी ग्रांट की अर्हता ही प्राप्त हो गई हैं। हमारे विकलांग विश्वविद्यालय में चारों विकलांगों का समादर है। चारों विकलांगों को अपने भविष्य को सुधारने का अवसर मिलेगा और मिल भी रहा है। वे हैं दृष्टिबाधित विकलांग, मोकवधिर विकलांग, मंदबुद्धि विकलांग और अस्थिवधिर विकलांग, अस्थिविकल विकलांग, अर्थात जो
हमको देख नहीं सकते, जो हमको सुन नहीं सकते, जो हमसे कुछ कर नहीं कह नहीं सकते, जो हमारी बात समझ नहीं सकते, जो हमारा दिया हुआ पदार्थ ले नहीं सकते और जो हमारे पास आ नहीं सकते, ऐसे विकलांगों की सर्वांगीण समस्या के लिए हमने अपना विश्वविद्यालय बनाया। यह विश्वविद्यालय सभी प्रकार के विकलांगों की सहायता करेगा। यहाँ सभी विकलांग अपना अधिकार पा सकेंगे। इसी प्रकार की परम पावनी प्रतिभा का स्वप्न देखकर मैंने विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थान का निर्माण किया है। आज भी हमारे विकलांग विश्वविद्यालय में लगभग 300 छात्र पढ़ रहे हैं। सबको भोजन, शिक्षा एवं निवास फ्री उपलब्ध कराए गए हैं। इसलिए हम यही अपेक्षा करते हैं कि विकलांग अपने हृदय में स्वाभिमान के साथ भगवान को जगाएं और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ जाएं। जय विकलांग। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद स्थित साड़ी खुर्द नामक ग्राम में 14 जनवरी 1950 को मकर संक्रांति पर्व के दिन मिश्र ब्राह्मण परिवार में जन्मे पूज्यपाद जगतगुरु प्रारंभ से ही विलक्षण बालक थे। पिता पंडित राजदेव मिश्र एवं माता श्रीमती शशि देवी के पुत्र में अलौकिक शक्ति का भान कर पितामह पंडित सूर्यबली मिश्र ने इनका नाम गिरधर मिश्र रखा। गिरधर मिश्र के नाम से प्रारंभ में पहचाने जाने वाले विलक्षण बालक की शुरू से ही गतिविधियां आम बच्चों से भिन्न थी। संभवतया यही वजह थी कि ईश्वर ने बालक से मात्र 2 माह की अल्प आयु में ही नेत्र ज्योति छीन ली। जीवन की संघर्ष यात्रा को चुनौती मान पूज्यपाद जगतगुरु ने 5 वर्ष की शैशव अवस्था में श्रीमद् भागवत गीता एवं 8 वर्ष की आयु में संपूर्ण श्री रामचरितमानस को क्रमबद्ध पंक्ति संख्या सहित कंठस्थ कर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। युवावस्था में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस से उच्च शिक्षा प्राप्त कर शास्त्री व आचार्य की परीक्षाओं में 9 स्वर्ण व कई रजत पदक प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित किए। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी सहित देश में बोली जाने वाली सभी भाषाओं के ज्ञाता पूज्यपाद जगतगुरु ने नेत्र ज्योति का न होना कभी कमी नहीं माना। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से PhD एवं D.Lit की उपाधियां प्राप्त करने के बाद उन्हें 1987 में तुलसीपीठ चित्रकूट धाम के जगतगुरु रामनंदाचार्य पद पर सभी संतों, महात्माओं और धर्माचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित किया गया। सन 1998 में हरिद्वार कुंभ के अवसर पर पूज्यपाद जगतगुरु महाराज को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से विश्व धर्म संसद द्वारा विभूषित किया गया। यह सम्मान पाने वाले वे विश्व के एकमात्र धर्मगुरु हैं। इन्हीं सब की वजह से 1999 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर की संज्ञा दी। जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज को वेद, पुराण, उपनिषद, भागवत, मानस आदि समस्त आर्य ग्रंथ कंठस्थ हैं। अब तक लगभग 80 ग्रंथ लिख चुके पूज्यपाद ने विद्वानों के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ प्रस्थान जयी की भी रचना की। इसका लोकार्पण 6 अप्रैल 1998 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। पूज्यपाद जगतगुरु ने स्वयं प्रेरणा से विकलांगों के लिए जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना कर नेत्रहीन, मूक बधिर, अस्थि विकलांग व मानसिक रूप से अक्षम बालकों को नया जीवन दिया। विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति पूज्यपाद धर्म चक्रवर्ती जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज का मानना है कि शिक्षा को आधुनिकता से जोड़कर उसे रोजगार मूलक बनाया जाना चाहिए। यही वजह है कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा इस पर भी काफ़ी जोर दिया गया कि बच्चे आत्मनिर्भर कैसे बने। विश्वविद्यालय में 16 संकाय संचालित किए जा रहे हैं।
इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, ललित कला, चिकित्सा विज्ञान तथा आयुर्वेद शामिल हैं। विश्वविद्यालय में आईटी एवं संस्कृत भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विकलांग छात्र छात्राओं को कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं। इनमें सभी विकलांग छात्र छात्राओं को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, पाठ्य सामग्री, अन्य उपकरण प्रदान किए जाते हैं। विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के अलावा उन्हें व्हीलचेयर, बैसाखी, फोल्डिंग स्टिक आदि उपकरण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय में ही अध्ययनरत छात्रों के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है, जिसमें तकरीबन 10,000 पुस्तकें संग्रहित हैं। रचनात्मक गतिविधियों के विस्तार के लिए समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। सामान्य लोगों की तरह विकलांग विद्यार्थियों में भी आत्मविश्वास पैदा हो, इसके लिए खेलकूद एवं शारीरिक व्यायाम की भी व्यवस्था की गई है। विकलांग बच्चों की शारीरिक क्षमता बनी रहे, इसके लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था है। सुबह के नाश्ते से लेकर रात्रि भोजन के अवसर पर पूज्यपाद जगतगुरु स्वयं उपस्थित होकर व्यवस्था की निगरानी करते हैं। विश्वविद्यालय के स्वरूप के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती ने विश्वविद्यालय के कन्या छात्रावास की आधारशिला रखी एवं विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसरों का अवलोकन किया। बहुमंजिला भवन के अतिरिक्त छात्रावासों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। इन सब गतिविधियों के संचालन में कोई अड़चन ना पैदा हो, इसके लिए पूरे देश में विश्वविद्यालय के प्रचार प्रसार का दायित्व जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग सेवा संघ निभा रहा है। इस विशाल भारतवर्ष में जहां विकलांग 10% मात्रा में अपनी जीवन की विडंबनाओं से जूझ रहे हैं, इनकी सर्वांगीण समस्या के समाधानार्थ हमने जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश की स्थापना की। मैं तो यह कहूँगा कि यह विश्वविद्यालय जहाँ एक ओर विकलांगों को शिक्षित और अपने कर्तव्य में दीक्षित करेगा, वहीं यह विकलांगों की समस्याओं के समाधान का एक विशिष्टतम रंगमंच भी बनेगा। विकलांग विश्वविद्यालय चारों प्रकार के विकलांगों को जीवन का अधिकार और राष्ट्रीय धारा में जुड़ने का स्वर्णिम अवसर प्रदान करेगा। इसी विकलांग विश्वविद्यालय के प्रकल्पों को चलाने के लिए हमने अखिल भारतीय विकलांग सेवा संघ की स्थापना की, जो केवल विकलांग विश्वविद्यालय के ही विकासार्थ काम करेगा। और यह विकलांगों की भोजन व्यवस्था को संभालेगा, अर्थात विकलांग सेवा संघ से प्राप्त राशि के द्वारा ही
विकलांग विश्वविद्यालय की छात्र छात्राओं के भोजन की व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। विकलांग सेवा संघ की सदस्यता शुल्क की जो राशि है वह मात्र 240 रुपये प्रत्येक वर्ष के क्रम से निर्धारित की गई है। अर्थात प्रत्येक वर्ष 240 रुपया देकर व्यक्ति इस महायज्ञ का यजमान सदस्य बन सकता है। मैं सभी भारतीय बहनों भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आइए इस विकलांग उद्धार महायज्ञ के यजमान बने, मात्र प्रत्येक वर्ष 240 रुपया देकर। अन्नदान की मरस की पीखा, अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। आपके दिए हुए स्वच्छ धन से यदि विकलांग बहनों भाइयों को भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकी तो सबसे बड़ा कार्य होगा, सबसे बड़ा यज्ञ होगा। आइए विकलांग सेवा संघ से जुड़कर विकलांग परिवार से जुड़िए। जय विकलांग। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की निज सचिव डॉक्टर कुमारी गीता देवी ने बताया कि संघ के माध्यम से ऐसा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है जो शहर शहर गांव गांव से विकलांग बालकों को खोजकर विश्वविद्यालय में शिक्षण हेतु पहुंचाने का कार्य करेगा। 18 अक्टूबर सन 2001 को संघ की प्रथम बैठक में श्री आनंद प्रकाश गौतम को संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। श्री गौतम ने पूज्यपाद जगतगुरु के आशीर्वाद से बहुत कम समय में देश के अधिकांश प्रांतों में संघ की इकाइयां गठित करने में सफलता हासिल की है। विश्व के प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के लिए कार्य कर रहे जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग सेवा संघ के गठन की आवश्यकता दो कारणों से आवश्यक प्रतीत हुई। प्रथम यह कि यह विश्व का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जिन उपेक्षित विकलांगों के लिए स्थापित किया गया है उनकी संख्या विश्व में 50 करोड़ और भारतवर्ष में 10 करोड़ है। गांव-गांव शहर-शहर फैले हुए विकलांगों को शिक्षा के माध्यम से स्वावलंबी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय की जानकारी उन तक पहुँचे और वे प्रेरित होकर के शिक्षण हेतु विश्वविद्यालय में आएं। इसके लिए ऐसा नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी जिसके माध्यम से इन विकलांगों को विश्वविद्यालय में लाया जाए। दूसरा कारण कि यह विश्वविद्यालय पूर्णतः स्वपोषित विश्वविद्यालय है। यह वीतराज सन्यासी पूज्यपाद जगतगुरु जी के द्वारा स्थापित किया गया है। 50 करोड़ की लागत से इसके भवन का निर्माण होना है और अन्य खर्चों में भी भोजन, आवास, वेतन, शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण सामग्री सबके लिए प्रतिमाह का खर्च तो अलग से लगेगा ही। उस सब के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी संगठन की आवश्यकता प्रतीत हुई। जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग सेवा संघ को पंजीकरण की प्रक्रिया से ही संपूर्ण भारतवर्ष में अपना संगठन एवं गतिविधियां संचालित करने की मान्यता प्रदान की गई है। हम अतिशीघ्र ही पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक जिले में अपना संगठन फैला करके उस अपनी जिला कार्यकारिणियों के माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर विकलांगों को ढूंढ़ कर विश्वविद्यालय में लाएंगे और उनको शिक्षण प्रदान करवाएंगे। शिक्षण के द्वारा उनको स्वावलंबी बनाने का हमारा लक्ष्य है। हमको भोजन व्यवस्था के निर्वाह का दायित्व भी मिला हुआ है और जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के भोजन का खर्च भी हमारा विकलांग सेवा संघ ही वहन करेगा। इस हेतु भी हम चाहते हैं
कि समाज से कुछ सहयोग प्राप्त हो। हमारी विकलांग सेवा संघ के 3 प्रकार के सदस्य हैं, संरक्षक सदस्य, आजीवन सदस्य और वार्षिक सदस्य। इनके अलावा भी हम समाज से चाहेंगे कि भोजन व्यवस्था के लिए हमने एक स्कीम बनाई हुई है। 365 वर्ष के 365 दिनों में प्रत्येक दिन का भोजन 5,000 के रुपए के मान से हमको 365 ऐसे सदस्य चाहिए कि जो प्रतिदिन का 5,000 का भोजन वे प्रत्येक वर्ष दें। इसके अलावा एक विकलांग छात्र को गोद लेने का 11,000 रुपए व्यय आता है। एक विकलांग बालक के भोजन का खर्च 8,000 रुपए आता है। इसी तरह से षटमासिक भोजन व्यय 4,000 रुपए या त्रैमासिक भोजन व्यय 2,000 रुपए या भवन के लिए अपनी सहायता राशि दे करके हमारे इस विकलांग कल्याण यज्ञ में लोग अपनी आहुति दे सकते हैं। मानवता कल्याण को समर्पित परम परहित सरिस धर्म नहीं भाई के सच्चे धर्म को स्वीकार करने वाले समाज सेवियों से हमारा अनुरोध है कि हमारे विकलांग सेवा संघ के इस कल्याण यज्ञ में अपनी तन मन धन से अवश्य आहुति डालें।